यस, गुड इवनिंग। चैनल पे बहुत सी चीज़ें हो चुकी हैं। हमने मैथमेटिक्स के कुछ वीडियोस डाले थे, कुछ एक एक दो दो मिनट के। तो थोड़ा हम जो हमारा स्टाइल रहेगा, हम बुक रीडिंग की तरफ फोकस करेंगे और उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे वर्ड टू वर्ड। और देर इज़ नो अनदर वे टू मेक अ पीपीटी से बाय, हम बुक को ही एक्सप्लोर करेंगे। एक सबसे अच्छा तरीका होता है बुक को पढ़ना, ठीक है। हम बुक को एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है, और बेसिक्स से लेके हम बुक के एडवांस तक जाएंगे, ठीक है। कोई भी टॉपिक है हम बेसिक से उठाएंगे, बेसिक्स से लेके और उसके एडवांस तक कि उसकी एप्लीकेशन तक भी, इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, एक्चुअल फिजिकल एप्लीकेशन क्या है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। थ्योरी से हम उसके फिजिकल सिग्निफिकेंस की तरफ अप्रोच करेंगे, ठीक है। तो बेसिक्स के लिए हमने कुछ बुक, एक बुक सेलेक्ट की है, वो है फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स, हैलिडे और रेजनिंग, वो जो है नाइट एडिशंस, ओके। इसके कंटेंट की तरफ हम मूव करते हैं। हाँ, इस बुक को जो है वॉल्यूम वन और वॉल्यूम टू में डिवाइड किया गया है, ठीक है। वॉल्यूम को फर्दर पार्ट में, पार्ट को फर्दर चैप्टर में डिवाइड किया गया, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से कैटेगराइज किया गया, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ को हम अच्छे से समझ सकते हैं, उसके बेस पे न्यूमेरिकल भी बताए गए हैं कि आप जैसे ही आप चैप्टर पढ़ते हो, चैप्टर के बेस पे टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल है, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है और न्यूमेरिकल के वे से भी समझाया हुआ है। डायरेक्ट फिजिकल सिग्निफिकेंस पे फोकस है बुक का, ठीक है। हम इसको थोड़ा और एडवांस लेवल पर लेके जाएंगे, ठीक है। तो इसमें चैप्टर्स हैं पार्ट वन पार्ट टू, ऐसे ये अगर देखें हम प्लस वन प्लस टू के लेवल को कवर करती है शायद, मतलब मोस्टली फिजिक्स को कवर करती है। तो पार्ट वन में क्या है, मेजरमेंट मोशंस ऑफ अ अलोंग स्ट्रेट लाइन, वैक्टर्स मोशन इन अ टू एंड थ्री डायमेंशन, फोर्स एंड मोशंस, फोर्स एंड मोशन सेकेंड, काइनेटिक एनर्जी एंड अ वर्क, पोटेंशियल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सेंटर ऑफ मास एंड लीनियर मोमेंटम, रोटेशन, रोलिंग टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, द पार्ट सेकेंड इज इक्विलिब्रियम एंड द इलास्टिसिटी, ग्रेविटेशन, फ्लूइड्स, ऑसिलेशंस, वेव सेकिंग, टेम्परेचर, हीट एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। द नेक्स्ट वन इज द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, नेक्स्ट वन इज अ एंट्रोपी एंड अ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंड द थर्ड पार्ट इज अ वॉल्यूम सेकेंड, थर्ड पार्ट एंड फर्दर चैप्टर इज 21 एंड द इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैपेसिटेंस, करंट रेजिस्टेंस, सर्किट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, इंडक्शन एंड इंडक्टेंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशंस एंड अल्टरनेटिंग करंट, मैक्सवेल इक्वेशंस, मैग्नेटिज्म ऑफ मैटर्स। फोर्थ पार्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इमेज इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शंस, रिलेटिविटी, बहुत अच्छे से बताया गया इसके अंदर। फिफ्थ पार्ट इज अ फोटॉन्स एंड मैटर वेव्स, मोर अबाउट मैटर वेव्स, ऑल अबाउट एटम्स एंड कंडक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉलिड, न्यूक्लियर फिजिक्स एंड एनर्जी फ्रॉम द न्यूक्लियस, एंड द लास्ट वन इज द क्वार्क, लेप्टॉन्स एंड द बिग बैंग, ओके। मतलब इसको यूनिवर्स पे जाके ख़त्म किया गया है बुक्स को, कि यूनिवर्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, छोटे से पार्टिकल से लेकर एक एटम से लेकर और बहुत बड़े साइज तक, जो भी उस एटम से लेकर जो भी चीज़ें उसके आई हैं, बनी हैं जो भी उससे, और एक यूनिवर्स पे लाकर उसको छोड़ दिया, अभी यूनिवर्स का फॉर्मेशन ऐसे इस तरह से हुआ है। उसकी एक थ्योरी है बिग बैंग, बहुत सी थ्योरी हैं पर बिग बैंग ऐसी थ्योरी है जो मोस्टेबल एक्सेप्ट की गई है। और तो हम क्या करेंगे, पार्ट वाइज जाएंगे। तो सबसे पहले हम ये, मैं क्या करूँगा, जो मेरा बैकग्राउंड है वहाँ से उठाऊँगा, बैकग्राउंड से लेकर, बैकग्राउंड के बेसिक से लेकर उसके एडवांस तक, ठीक है। बाकी भी हम पार्ट कवर करेंगे पर जो हमें ज़्यादा ज़रूरी है सबसे पहले हम वो कवर करेंगे, ये पार्ट थ्री, ठीक है। इलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, गॉस लॉ क्या है, इलेक्ट्रिक, ये सब चीज़ें बेसिक्स करने के बाद
इसका पेज नंबर बनेगा शायद 582। यस, यहां से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक को पढ़ना शुरू करेंगे। इस इलेक्ट्रिक के बेसिक से लेकर हम उसके एडवांस और एप्लीकेशन तक जाएंगे कि मास्टर डिग्री में जाकर इसकी एप्लीकेशन को कैसे अप्लाई किया गया, ठीक है। उसके फंडामेंटल को पढ़ के, उसके रूल्स को पढ़ के, उसकी लॉ को पढ़ के और एक्सप्लोरेशन में कैसे इसको अप्लाई किया गया, ठीक है। मैं अपने सब्जेक्ट की तरफ इसको लेके जाऊंगा और कोर फिजिक्स की तरफ ना जाकर अपने सब्जेक्ट की तरफ जाने की कोशिश करूंगा और वहीं पे मैं फोकस करूंगा, ज़्यादा मेरा वहीं पे फोकस रहेगा, बेसिक्स से और मेरे सब्जेक्ट के एडवांस तक, ठीक है। तो एक बुक है उसके लिए, फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स, राइटर द विलियम लोरी, बहुत द बेस्ट बुक फॉर द जियोफिजिक्स। तो ऐसे ही जैसे हमने वहाँ से इलेक्ट्रिकल पढ़ लिया, ठीक है, तो उसकी एप्लीकेशन उसके बारे में तो हम यहाँ से पढ़ेंगे। जियो इलेक्ट्रिसिटी इसका चैप्टर है, अर्थ एज एंड थर्मल इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो जियोफिजिक्स बेसिकली क्या है, जियोफिजिक्स में क्या है कि जो फिजिक्स की जो अप्लाइड लॉ है उनको हम अर्थ पे अप्लाई करते हैं, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज जानने के लिए, ठीक है, सब सरफेस की प्रॉपर्टीज जानने के लिए, ठीक है, उसकी एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं और उससे हम क्या है अर्थ के सब सरफेस की इंफॉर्मेशन निकालते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है, जियो इलेक्ट्रिसिटी इस चैप्टर को हम कवर करेंगे, शायद ये 252 अगर इसमें जाएं हम 270, हाँ ये यहाँ पे आ गया शायद, जियो इलेक्ट्रिसिटी, हाँ चीज़ें इसमें भी बताई गई हैं, ठीक है, और उसमें बताई गई, उसके बेसिक्स से पढ़ेंगे हम, चार्ज से पढ़ेंगे, चार्ज से तो ये भी शुरू कर रहा है पर वो ज़्यादा बेसिक है, उसके न्यूमेरिकल करेंगे, चार्ज का बिहेवियर देखेंगे, चार्ज कैसे एक्ट करता है, मास के साथ कैसे एक्ट करता है और लेंथ टाइम फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ और नेचर में कैसे उसका बिहेवियर रहता है, वो चीज़ें पढ़ेंगे इस बुक में, पढ़ेंगे चैप्टर से पढ़ेंगे, चैप्टर के बाद हम यहाँ पे आएंगे। यहाँ से पढ़ने के बाद अगर हमें कोई दिक्कत आती है तो एक बुक हो रहा है ये, नेक्स्ट वन इज़ अ इंट्रोडक्शन टू जियोफिजिकल एक्सप्लोरेशन, ओके, ये भी जियोफिजिक्स के लिए बुक है, कैरी एंड ब्रुक्स, ठीक है, कैरे एंड ब्रुक्स, ब्रुक्स के नाम से फेमस है बुक, इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। और इसमें भी हम क्या करेंगे, वहाँ से बेसिक से लेकर यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे इसमें कहाँ पे हैं, हाँ तो यहाँ पे की इलेक्ट्रिकल सर्वे, इलेक्ट्रिकल सर्वे कैसे होता है बेसिक पढ़ने के बाद, कि उसकी एप्लीकेशंस को कैसे यूज़ किया गया उसके बारे में पढ़ेंगे हम, वन बाय वन पढ़ेंगे, डीप में जाएंगे, कोई हमें जल्दीबाजी नहीं है, धीरे धीरे सब चीज़ें पढ़ेंगे। तो ये बुक कवर करने के बाद सेम टॉपिक हम एक बुक हो रहा है अप्लाइड जियोफिजिक्स के लिए, टेलफर्ड, अच्छी बुक है, इसमें क्या बताया गया इसको भी पढ़ेंगे, अगर वहाँ से चीज़ें क्लियर हो जाती हैं तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि नेक्स्ट बुक में हम मूव करें, तो फिर भी हम एक्सप्लोर करने के लिए, नॉलेज को बढ़ाने के लिए तो हम उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे और मोर टू मोर जानना पसंद करेंगे। देखिए इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज और रॉक्स के बारे में बात करें, सीधा एप्लीकेशन पे आ गया, यहाँ से बेसिक से, और अगर मास्टर डिग्री की हम बात करेंगे तो सीधा एप्लीकेशंस पे आ गया, एप्लीकेशंस के बारे में बता रहा है कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उनके बारे में डायरेक्ट बात कर रहा है। तो इनको समझने की कोशिश करेंगे, धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे, लैंग्वेज कोई भी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, तो बेसिक है कि हमें समझ में आना चाहिए, समझ बहुत बड़ी चीज़ होती है, अगर हम कोई चीज़ समझ लेते हैं तो बहुत आसानी हो जाती है हमें आगे बढ़ने में, ठीक है। तो इसी तरह नेचुरल इफेक्ट और ये सब चीज़ें पढ़ेंगे, और कोई बुक होगी तो उसको भी हम कवर करेंगे, जैसे जैसे हमें एक्सप्लोर होते रहेंगे, जहाँ भी दिक्कत आएगी उसका सोल्यूशन देखेंगे, बिल्कुल डीप में जाएंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, वर्ड टू वर्ड जाएंगे, पूरे वर्ड का पोस्टमार्टम करेंगे, ठीक है। जैसे ये वर्ड है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, तो इस वर्ड का हम पूरा पोस्टमार्टम करेंगे कि कहना क्या चाह रहा है, एक्चुअल में क्या है, ठीक है। वर्ड से ही हम पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि हमें आगे ना जाना पड़े, इस टेक्निक का यूज़ करेंगे, ठीक है। और डीप में जाएंगे, इसी तरह सब बुक में जाएंगे, और एक बुक हो रहा है अदर सब्जेक्ट है, वेल लॉगिंग या पेट्रोफिजिक्स, ठीक है, यूके का है कोई राइटर इनका, एडर्सन, बहुत अच्छी बुक है पॉल ग्रोर की, एंड इसमें भी वेल लॉगिंग के बारे में बताया गया, इंट्रोडक्शन, पोरोसिटी, परमेबिलिटी, ये ऑल द थिंग्स, हम इनको समझने की कोशिश करेंगे, पढ़ेंगे। और
हम शुरू करेंगे जब भी हमारा लेक्चर शुरू होगा आजकल में, तो यहाँ से शुरू होगा, हम यहाँ से शुरू करेंगे और एडवांस में इसकी एप्लीकेशन तक अप्रोच करेंगे। और जैसे भी दिक्कत रहेगा तो आप मेरे को बताइए, जहाँ पे भी आपको दिक्कत लग रहा है तो आप मेरे को बताइएगा और हम उसको इम्प्रूव करेंगे और बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। बाय बाय, थैंक यू।